Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hi guys, good morning. Welcome to testbook.com. गाइस स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर, जिसमें हम लोग दिन भर की जो टॉप 20 इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड आने वाले टाइम में एग्जामिनेशंस में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेट करते हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पर आपका डिस्कस किया जाएगा। तो जैसे हम लोग आपका डेली बेसिस पे एक मोटिवेशनल कोट, देन क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको दिया गया था लास्ट, उसमें देन इवेंट्स के ऊपर आएंगे और एंड में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा। उससे पहले कुछ नए कोर्सेज टेस्टबुक आपके लिए लेके आया, तो उनके ऊपर एक ओवरव्यू करते हैं। तो पहला जो कोर्स है आपका वो है करंट अफेयर्स 2019, जिसके अंदर पूरे साल भर के जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक के मंथली बेसिस के जितने भी एमसीक्यूज आपके होते हैं या इवेंट्स वाइज आपका एरिया वाइज जितने भी जो करंट अफेयर्स हैं आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो जो करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। दूसरा जो कोर्स है वो है आपका एसएससी अचीवर्स बैच, जिसके अंदर टोटल हैंडेड टॉपिक्स या जो हैंडेड टॉपिक्स आपका जो स्कोर बूस्टिंग टॉपिक्स आपके होते हैं वो जीएस के हो या इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो या रीजनिंग के हो, तो जो मेजर टॉपिक्स आपके होते हैं उनको वो टॉप हैंडेड टॉपिक्स के लिए कोर्स आपका, जिसमें जो स्कोर बूस्टिंग टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए 100 प्लस लाइव क्लासेस होंगे, 50 प्लस प्रैक्टिस सेट, 30 प्लस ई बुक्स और स्ट्रेटेजी एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे। और इन सब कोर्सेज के अंदर एक्सेस पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो तीसरा पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है कि जो डील ऑफ द मंथ है आपका, ठीक है, तो डील ऑफ द मंथ की अगर हम लोग बात करें इसके अंदर आपको बस एक टेस्ट बुक का कोर्स पास या टेस्ट पास अगर आप परचेज करते हैं, ठीक है, जिसमें 999 रुपीज़ के अंदर आपको पूरे साल भर के अंदर जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे उनका एक्सेस दिया जाएगा और साथ ही 299 रुपीज़ में आपको 2100 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, तो जो काफ़ी बड़े हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वो आपको फ्री में अलॉट किया जाएगा। तो डील ऑफ द मंथ, जल्दी से इस डील को आप ग्रैब कर सकते हैं। अभी टेस्ट आपको क्या करना है कि टेस्ट बुक के वेबसाइट को लॉग इन करना है, देन सीधे आप इसको परचेज कर सकते हैं और एक साल तक के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हम लोगों के साथ, तो जितने भी कोर्सेज या क्लासेज होंगे वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सो इसी के साथ कंप्यूटर जी पहले आएंगे हमारे मोटिवेशनल थॉट के ऊपर। तो स्लाइड फर्स्ट आपका, एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ। सो बेसिक आज का जो थॉट है आपका कि हर दिन जो भी आता है आपका, आपको जो अभी तक पास्ट में जो हुआ है उसको लेके या उसको पकड़ के नहीं बैठना है, ठीक है, आपको आने वाले टाइम्स के लिए जैसे हर दिन एक नया सवेरा होता है, एक नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई टारगेट अगर मिस हुआ तो वहाँ पर आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर करने के लिए, तो आप अपना प्रिपरेशन अपनी स्ट्रेटेजीज़ को फॉर्म करना है आपको जस्ट, और उनको फॉलो करना, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका, ठीक है, आप प्लान कर लेते हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट पे जब आते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकिंग रहता है। तो इसी थॉट्स के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के इस इवेंट को, जिसमें सबसे पहले हम लोग आएंगे आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको लास्ट क्लास के अंदर दिया गया था, देन आपके जो आज के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था कल, इन सितंबर 2019 इंडिया एंड विच कंट्री हैव एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स इन एरियाज इंक्लूडिंग स्पेस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कल्चर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मंगोलिया। अभी मंगोलियन प्रेसिडेंट जो कि इंडिया के अंदर विजिट कर रहे थे, इससे पहले बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने उनके ऊपर आपको कराए, ठीक है, तो आई होप कि या जितने भी आंसर्स मुझे मिले थे सारे आंसर्स करेक्ट मिले थे। दूसरा क्वेश्चन आपका, इन सेप्टेम्बर 2019 कॉमर्स इंडस्ट्री एंड रेलवे मिनिस्टर्स पीयूष गोयल इज ऑन अ टू डे विजिट टू विच कंट्री। तो आपका आंसर था क्या, यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। दो दिन के आपका विजिट में जहाँ पे आने वाले टाइम्स में बहुत सारे अलग अलग एरियाज, अगर हम लोग बात करें जैसे कॉमर्स, इंडस्ट्री और रेलवेज, इन तीनों एरियाज़ के रिगार्डिंग आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन और जो कल्चरल एक्सचेंज है इन सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किया जाएगा। सो आज के दिन में भी आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड ऑफ द सेशन, जिनके आंसर्स आपको जो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है, लाइव क्लास में थोड़ा मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू देन हम आपके क्वेश्चंस को आंसर्स को लेंगे। तो पहला आज का इवेंट आपका फॉर्च्यून मैगजीन से रिलेट करता हुआ, तो फॉर्च्यून मैगजीन जिसके द्वारा आपका टॉप 50 वुमेन्स की लिस्ट रिलीज की गई, तो उससे रिलेट करता हुआ, हु इज़ द यंगेस्ट वुमेन टू बी नेम्ड इन द फॉर्च्यून इंडियाज टॉप 50 लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ ईयर 2019। तो फॉर्च्यून इंडिया की 2019 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की शीर्ष 50 की सूची में नामित होने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है। तो बेसिक
आपके पास ऑप्शंस, पांच ऑप्शंस आपको दिए गए, तो आपको ये बताना कि जो टॉप 50 के अंदर सबसे यंगेस्ट वुमेन आपका इस लिस्ट के अंदर किसको, या मोस्ट पावरफुल वुमेन कैटेगरी 2019 के अंदर किसको इंक्लूड किया गया। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ओनली बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसको इसमें इंक्लूड किया गया। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं, जो करेक्ट आंसर है ना वह है आपका अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा जो कि अगर हम लोग अनुष्का शर्मा के ऊपर बात करते हैं, तो इनका ओवरऑल 50 में से जो रैंक आपका रहा है वो रहा आपका 39, ठीक है, 39 नंबर पे इनका रैंक आपका है, टोटल 50 आपका। और 50 के अंदर भी अलग अलग, जैसे जो अलग अलग बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सारे, उनको आपका इंक्लूड किया गया फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा। तो पहला जो आपका करेक्ट आंसर था वो था अनुष्का शर्मा, तो अनुष्का शर्मा। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इस लिस्ट को किसके द्वारा टॉप किया गया, तो लास्ट पॉइंट जो है आपका को फाउंडर ऑफ AZB एंड पार्टनर्स जिया मोडी टॉप द लिस्ट। तो जिया मोडी जिनके द्वारा इस लिस्ट को आपका टॉप किया गया, जो कि को फाउंडर हैं किसके लिए आपका, AZB एंड पार्टनर्स। AZB एंड पार्टनर्स एक लॉ फर्म है, लॉ फर्म का मतलब एक कंसल्टेंसी की तरह आपका, ठीक है, जो एक लॉयर्स की जो फर्म्स होती है लॉ फर्म जनरली, तो AZB एंड पार्टनर्स एक लॉ फर्म जिसके जो को फाउंडर हैं जिया मोडी, जो जिनके द्वारा टॉप 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की इस लिस्ट को टॉप किया गया। सो एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हैज़ बीन नेम्ड इन द फॉर्च्यून इंडियाज टॉप 50 लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन of 2019. The actress is the youngest woman on the list and ranked at 39. जैसे हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर बात करी आपका कि अनुष्का शर्मा का जो ओवरऑल रैंकिंग है और सबसे यंगेस्ट वुमेन है आपका इस पूरे 50 के लिस्ट के अंदर, और उनका जो ओवरऑल रैंक है वो है आपका 39 नंबर पे। सो पहला क्वेश्चन फॉर्च्यून की लिस्ट के साथ, तो जिसमें टॉप 50 वुमेन ऑफ द ईयर्स 2019 जिसको टॉप किया गया जिया मोडी के द्वारा, और सबसे यंगेस्ट जो वुमेन है वो है आपका अनुष्का शर्मा, और जिनकी रैंक है 39 नंबर पे। अगला क्वेश्चन, When is World Rose Day observed? तो हर साल आपका रोज दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर जनरल हम लोग रोज डे के ऊपर बात करते हैं ना, तो ये एक नाम है मेलिंडा रोज, आई होप कि आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, मेलिंडा रोज जो एक कैंसर से पीड़ित महिला थी, ठीक है, एक बच्ची जिसको कैंसर हो गया था, सो इनकी इनके द्वारा जो कैंसर की इस बीमारी से, ब्लड कैंसर जनरली इनको आपका था, तो इस कैंसर की इस बीमारी से लड़ने के लिए जनरली जैसे डॉक्टर्स या अदर्स जिनकी भी जो रिपोर्ट्स थी उन्होंने मतलब बहुत कम दिन इनको बताया था, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक आपका सर्वाइव किया था, तो उनकी मेमोरी में आपका वर्ल्ड रोज डे हर साल मनाया जाता है, कब, 21 सितंबर को। तो अगर हम लोग सॉरी 22 सितंबर को, 22 सितंबर, ठीक है, जो कि हर साल आपका मनाया जाता है रोज डे, तो रोज डे जो कि मनाया जाता है आपका 22 सितंबर, इस बार भी आपका 22 सितंबर वर्ल्ड रोज डे आपका मनाया गया। दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ 12 ईयर किड मैंडेला रोज फ्रॉम कैनेडा, एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग स्पार्क ऑफ हैप्पीनेस इन टू द लाइफ्स ऑफ पीपल्स हु आर फाइटिंग फ्रॉम कैंसर्स, ठीक है, जो लोग भी आपका कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए उनकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा एक मोटिवेशनल आपका चीज़ें या एक अवेयरनेस कैंपेन के रिगार्डिंग इसको आपका। मैंडेला रोज वॉज डायग्नोस्ड विद अ रेयर फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर्स एस्किन्स ट्यूमर्स, तो ब्लड कैंसर्स और आपका इनका जो प्रॉब्लम था, तो इन कहीं ना कहीं उसके बाद भी जैसे डॉक्टर से इनके रिपोर्ट्स आपके थे, तो उसके बाद भी ये लोग काफ़ी लंबे समय तक ये जिए थे, तो मैंडेला रोज के मेमोरी में हर साल आपका मनाया जाता है रोज डे। सो वर्ल्ड रोज डे आपका 22 सितंबर इस बार भी आपका मनाया गया, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, मैंडेला रोज का नाम याद रखना है आपको, और दूसरा वर्ल्ड रोज डे कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 22 सितंबर। अगला क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द मैग्निफिशेंट परफॉर्मेंस अवार्ड्स आर्ट्स अवार्ड्स एट द एनुअल 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स इन लंडन 2019, तो 21st सेंचुरी आइकन्स अवार्ड्स इन लंडन जो अभी रिसेंटली होस्ट किए गए, जो कि एक इंडियन ओरिजिन या जो आपका भारतीय मूल के जिनके द्वारा इस अवार्ड्स को स्टार्ट किया गया, ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं ये अवार्ड्स किसको दिया गया, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सोनू निगम। सोनू निगम जिनको 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। अगर हम लोग बात करते हैं आइकन अवार्ड्स की, तो जनरली ये जो अवार्ड्स हैं आपका दी 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स वर इनिशिएटेड बाय यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर एंड को फाउंडर ऑफ स्क्वेयर्ड वाटरमेलन लिमिटेड तरुण गुलाटी एंड प्रीति राणा।
तरुण गुलाटी एंड प्रीति राणा जो कि इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के रहने वाले जो कि अभी यूके के अंदर आपका रह रहे हैं, तो इनके द्वारा एक अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट किया गया जिसको नाम दिया गया आपका 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स। सोनू निगम वॉज ऑनर्ड विद द मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस आर्ट अवार्ड एट द एनुअल 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स इन लंदन। तो कहाँ पे होस्ट हुआ, पहला क्वेश्चन किस फील्ड में दिया जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका और तीसरा क्वेश्चन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, और किसको मिला, तो आपका आंसर क्या होगा, सोनू निगम। तो सोनू निगम बॉलीवुड के अंदर काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी मतलब इनके बहुत सारे सॉन्ग्स इनके द्वारा रिलीज किए गए हैं। तो इसी के चलते हुए 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया सोनू निगम को। अगला इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन रीड करना है, देन आंसर करना है। इन विच ईयर डिड द स्टेट ऑफ बिहार गेट इट्स फर्स्ट ऑल वेमेन एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस। अभी आपका बिहार के अंदर एक ऑल वेमेन एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस स्टार्ट किया गया, तो आपको ये बताना कि कौन से ईयर में इसको स्टार्ट किया गया। तो बिहार राज्य को किस वर्ष में अपना पहला ऑल वेमेन कर्मचारी डाकघर मिला है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 21st of September 2019 जब इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसको लॉन्च किया गया आपका, रविशंकर सर वहाँ पे पहुँचे थे, यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, जिनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। द स्टेट ऑफ बिहार गॉट इट्स फर्स्ट ऑल वेमेन एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस ऑन 21st of September 2019। ऑल वेमेन एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या है कि इस डाकघर के अंदर जितने भी जो कर्मचारी होंगे सारे क्या होंगे, महिलाएं होंगे। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद इनॉग्रेटेड दी पोस्ट ऑफिस ऑन द कैंपस ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अभी इसको जो लॉन्च किया गया आपका कहाँ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या BPSC से इसको आपका लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा। तो रविशंकर प्रसाद के चलते हुए या इनके इस सेरेमनी को इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया और पहला बिहार का पहला ऑल वुमेन एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस आपका जो कि लॉन्च हुआ 21st of September 2019 को। अभी अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन जैसे बिहार पुलिस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है या फिर अदर इवन RRB PO मेंस के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द थीम ऑफ फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2019। सो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषाओं के दिवस के लिए थीम क्या रखा गया था या इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। तो अगर हम लोग बात करते हैं पहले इस दिन के ऊपर बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऐसे लोगों के लिए जो जनरली क्या होता है आपका डीफ होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, तो उनके लिए एक आपका एक साइन लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आपका वो चीज़ों को या उनका जो कम्युनिकेशन का जो मेजर चैनल होता है वो होता है आपका साइन लैंग्वेज। इशारों के तहत वो आपका अपनी बात को कन्वे करते हैं या फिर अपने मैसेजेस को डिलीवर करते हैं। तो अभी जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज आपका सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, जो कि जिसका जो थीम था, अगर हम लोग थीम की बात करें ना विषय की, तो साइन अगर हम लोग बात करते हैं साइन लैंग्वेज राइट फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए सांकेतिक भाषा अधिकार है। तो जो इसका थीम रखा गया था, इसका जो विषय रखा गया था वो था आपका सभी के लिए सांकेतिक भाषा अधिकार है या फिर आपका साइन लैंग्वेज राइट फॉर ऑल या सभी के लिए सांकेतिक भाषा अधिकार है। सो 23rd सितंबर जो कि हर साल मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, द डे एम टू क्रिएट अवेयरनेस टू ब्रिंग आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज इन द फुल रियलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल हु आर डीफ। तो जो लोग जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनके रिगार्डिंग आपका कि वो साइन लैंग्वेजेस का किस तरीके से यूज़ करें या इसके अवेयरनेस इन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस डे को स्टार्ट किया गया और ग्लोबली ये आपका ऑब्जर्व करा जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है कब आपका 23rd of September। इस बार भी आपका 23rd of September 2019 जब आपका मनाया गया और इसका जो थीम रखा गया था जो विषय था वो था आपका साइन लैंग्वेज राइट फॉर ऑल। इट ऑल्सो एम टू प्रिजर्व द साइन लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इसको कहीं ना कहीं आपका पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का भी पार्ट बनाया या उसका भी हिस्सा बनाने की बात की गई। तो डे से रिलेट करता है वो क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। जो अगली स्टेटमेंट्स हैं वो आपका डेंगू से लड़ने के लिए दो दिल्ली गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर, तो अभी रिसेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके चलते हुए कौन सा पॉइंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन, CM केजरीवाल लॉन्च कैंपेन चैंपियन कैंपेन टू फाइट डेंगू एंड
urge citizens to become a champions and encourage 25 friends to check their homes for mosquito larvae. सो बेसिक जो पहला स्टेटमेंट है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू से लड़ने के लिए चैंपियंस अभियान चलाया है और नागरिकों को चैंपियन बनने और अपने 25 दोस्तों को मच्छरों के लार्वा की जांच करने के लिए बुलाने हेतु प्रोत्साहित किया है। तो पहला स्टेटमेंट जो पार्शियली करेक्ट है, ठीक है, अगर आपने इस इवेंट को समझा होगा, जैसे चैंपियन कैंपेन किसके रिगार्डिंग है पहले तो इसको ध्यान रखें आपको, तो डेंगू की डिजीज से लड़ने के लिए, और साथ ही साथ बाकी का सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। बस ये जो आपका 25 फ्रेंड्स है ना, 25 फ्रेंड्स नहीं बोला गया था बल्कि कितना बोला गया था आपका 10 फ्रेंड्स आपका, ठीक है। तो हर एक उसको, हर एक फैमिली को अपने अपने घरों के अंदर 10 फ्रेंड्स को इन्वाइट करके जो आपका जो मॉस्किटो लार्वा होते हैं उसके ऊपर बात करने के लिए या फिर उसको दूर करने के लिए बात की गई। तो पहला स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट होने का रीजन हम लोगों ने समझा, अर्लियर ही हैड ऑल्सो लॉन्च 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन, और पहले कुछ दिन पहले जैसे हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी इसको पढ़ा था, एक कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसको नाम दिया गया था आपका 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, एक कैंपेन लॉन्च हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। तीसरा आपका ही हैड अर्ज द दिल्ली रेजिडेंट्स टू गिव 10 मिनट एवरी संडे टू चेक द सराउंडिंग्स टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ डेंगू कैरियर मॉस्किटोज। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका, करेक्ट है। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो डेंगू वाले जो मच्छर होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए या जो डेंगू की डिजीज़ की वजह से जो हर साल जो परेशानियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसको नाम दिया गया चैंपियन कैंपेन। तो स्टेटमेंट्स आपकी जो करेक्ट हैं वो है आपका 2 और 3, ओनली 2 और 3 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ओनली 2 और 3। और स्टेटमेंट 1 के अंदर जो प्रॉब्लम था, जैसे वहाँ पे 25 फ्रेंड्स लिखा हुआ था, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका 10 फ्रेंड्स, 10 दोस्तों को आपको बुलाना है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है आपका, करेक्ट है। सो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक चैंपियन कैंपेन किससे रिलेट करता हुआ है आपको क्वेश्चन ये भी मिल सकता है, तो जो डेंगू के जो मच्छर होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और साथ ही साथ इसमें आपका जैसे जो पहले भी जो कैंपेन्स आपके लॉन्च करेंगे उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। अभी एक नया सेंटर आपका ओपन किया गया जिसको नाम दिया गया आपका नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, ठीक है, जो भी हम लोग टैक्स फाइल आपका करते हैं, तो CBDT या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके द्वारा एक नया आपका प्लेटफॉर्म जिसको नाम दिया गया नेशनल ई असेसमेंट, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन से आपका, तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया, या फिर राष्ट्रीय ई आंकलन केंद्र के आयकर के पहले प्रधान मुख्य आयुक्त के रूप में किसको अपॉइंट किया गया। तो जो करेक्ट आंसर आपका, जैसे 5 ऑप्शंस आपको दिए गए, तो अगर हम लोग करेक्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं ना, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कृष्णा मोहन प्रसाद, जिनको आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, किसके लिए आपका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के लिए। तो कृष्णा प्रसाद, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कृष्णा प्रसाद की इमेज है, सो कृष्णा मोहन प्रसाद जिनको आपका CBDT के द्वारा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर्स का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। CBDT हैज़ ऑल्सो अपॉइंटेड 1984 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS ऑफिसर कृष्णा मोहन प्रसाद एज द फर्स्ट प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफ नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। The center will have 14 officials and will be headed by the principal chief commissioner of income tax as its chief. तो basic total 16 members इसके अंदर आपका काम करेंगे, जैसे अभी आपका e-tax फाइल हुआ है, ठीक है, आपका जैसे CBDT की अगर हम लोग बात करें, जैसे असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए सबके द्वारा टैक्स फाइलिंग आपका हुआ, तो अब इनके ऊपर इंक्वायरी या जो वेरिफिकेशंस के लिए, जैसे कोई हाईली इनकम ग्रुप है आपका मोर देन 10 लाख या फिर अदर्स एरियाज़ के, तो उनके द्वारा प्रॉपरली टैक्स भरा गया नहीं भरा गया, या कहीं पर टैक्स का चोरी हुआ या नहीं हुआ, इन सब के रिगार्डिंग एक नया डिपार्टमेंट आपका जो फॉर्म किया गया जिसको नाम दिया गया नेशनल ई असेसमेंट सेंटर आपका, और जिसको लीड किया जाएगा किसके द्वारा, कृष्ण मोहन प्रसाद के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले सारे एग्जामिनेशन के लिए, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगले इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक साइन अ बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद मैक्स बुपा इन 2019 टू प्रोवाइड मैक्स बुपा सूट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। तो अगला जो इवेंट है ना वो किसके ऊपर आपका, बैंक का इंश्योरेंस के ऊपर। तो बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स या बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, जब कोई बैंक
इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर डील कर रहा होता है, ठीक है। जैसे उसकी कोर पॉलिसी नहीं है, जनरली आपका जैसे SBI, SBI लाइफ या अदर्स जो टाई अप्स आपके हो रहे हैं, तो अभी किस बैंक में जैसे आपका या जो भी आपको ऑप्शंस देंगे इनमें से किस बैंक ने अपने ग्राहकों को मैक्स बूपा के स्वास्थ्य बीमा, तो इंश्योरेंस कैटेगरी कौन सा आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट या स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए मैक्स बूपा के साथ एक बैंक आश्वासन समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर हम लोग करेक्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं ना, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंडियन बैंक और मैक्स बूपा, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जीवन बीमा निगम के अंदर आपका डील करती है। तो जीवन बीमा और आपका तो इंडियन बैंक के द्वारा जितने भी उसके कस्टमर्स हैं उनके साथ अपना डेटा शेयर करने के लिए या आने वाले टाइम में अपने कस्टमर्स को आपका, ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट है उनको पेश करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, मैक्स बूपा के साथ। अंडर द एग्रीमेंट मैक्स बूपा विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन एंड सर्विसेज टू ओवर 40 मिलियन कस्टमर्स ऑफ इंडियन बैंक्स, ओवर 40 मिलियन कस्टमर्स ऑफ इंडियन बैंक इन स्प्रेड 2800 ब्रांचेज नेटवर्क थ्रू स्लू ऑफ डिजिटल टच पॉइंट्स। तो बेसिक अगर हम लोग बात करें इस एग्रीमेंट के अंदर, जो भी इंडियन बैंक के अभी 40 मिलियंस 40 लाख से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं उनको एक वन स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा या उनके लिए जो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं उनको पिच किया जाएगा इंडियन बैंक के द्वारा मैक्स बूपा के। MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक, तो अगर हम लोग अभी जो करंट MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आपके CEO हैं वो हैं आपका पद्मदा चुंद्रू, जो कि इंडियन बैंक के अभी, या इंडियन बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है, सरकारी बैंकों की कैटेगरी में आते हैं, और उसके MD एंड CEO है आपका पद्मजा चुंद्रू। तो एक अलायंस आपका एक बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में या फिर इंडियन बैंक और मैक्स बूपा के अंदर। दूसरा अगला क्वेश्चन आपका, विच फिल्म वॉज सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द ऑस्कर्स इन 2019। सो अभी ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेशंस स्टार्ट हुए, जैसे कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, मोतीबाग डॉक्यूमेंट्री, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फार्मर्स की लाइफ स्टोरी के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। तो वैसे ही अब मोतीबाग को भी हम लोगों ने नॉमिनेट किया ऑस्कर के लिए। सेम एज अभी इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री आपका कौन सी ऐसी मूवी, तो 2019 में ऑस्कर में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया, तो जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन 1 गली बॉय। तो गली बॉय एक मूवी आपका जिसमें एक रियल लाइफ बेस्ड मूवी आपका जिसमें मुंबई के दो जो रैपर्स होते हैं जो रैप आपका गाते हैं उनके ऊपर आपका उनकी लाइफ की स्टोरी के ऊपर बेस करते हुए एक मूवी बनाई गई थी जिसको लीड किया गया था आपका रणवीर सिंह के द्वारा और एक्ट्रेस इसमें थी आपका आलिया भट्ट। तो एक मूवी गली बॉय जिसको नॉमिनेट किया गया है इंडिया के द्वारा आपका ऑस्कर फिल्म्स के लिए। It is a coming of age drama centered around the life of a rapper Murad or portrayed by Ranveer. The film was inspired by the real life stories of Mumbai rappers Divine and Nizi. तो ये दो पर्सन जिनके लाइफ के ऊपर इसको आपका इस मूवी को फिल्म आया गया था। तो इंडिया की जो ऑस्कर के अंदर जो एंट्री हुई है या जो नॉमिनेटेड मूवी है आपका वो है गली बॉय, और साथ ही साथ दूसरा नाम आपको याद रखना है कौन सा, मोतीबाग। मोतीबाग जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री जो लास्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ाई थी, ठीक है, तो मोतीबाग जो कि एक डॉक्यूमेंट्री आपका जो कि नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एज आयुष्मान भारत डे ऑन 23rd of September 2019। तो 23rd of September 2019 जिसको हम लोग किस रूप से मनाते हैं आपका, आयुष्मान भारत डे के नाम से मनाते हैं। तो लास्ट ईयर एक योजना लॉन्च की गई थी जिसको नाम दिया गया था आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री PMJAY या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर जितने भी जो आपका जो वीकर सेक्शन है आपका, ठीक है, जनरली जिसको हम लोग जो सोशियो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस आपका या 2011 जो सेंसस उसके हिसाब से जितने भी जो बैकवर्ड इलाके हैं या जो भी आपका बिलो पॉवर्टी लाइन्स जितने भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया था कितने अमाउंट के साथ आपका 5 लाख रुपीज के साथ, ठीक है, 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली के लिए, जिसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें अराउंड 10.74 करोड़ पुअर हाउस होल्ड्स को इंक्लूड किया गया था और हर एक फैमिली के लिए जो इंश्योरेंस लिमिट था वो था आपका 5 लाख रुपए। तो आपको ये बताना है निम्न में से किस राज्य ने 23 सितंबर 2019 को
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहली वर्षगांठ को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया है। तो जो करेक्ट आंसर है वह है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जिसके द्वारा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपका जिसको इम्प्लीमेंट करे हुए एक साल का समय हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में आपका आयुष्मान भारत डे की तरह सेलिब्रेट किया, किसको आपका 23rd of September 2019 आपका, तो उत्तर प्रदेश जो कि करेक्ट आंसर है। और इसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स जैसे हम लोगों ने डिस्कस करें, अंडर द स्कीम मोर देन 36 लाख गोल्डन कार्ड हैव बीन इशूड इन द लास्ट वन ईयर्स। तो अगर हम लोग बात करें टोटल बेनिफिशरीज की, तो लगभग 36 लाख गोल्डन कार्ड, मतलब 36 लाख परिवारों को इसका फायदा मिला है, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को एनरोल किया अंडर PMJY। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्कीम जो लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था सितंबर मंथ में, उसके चलते हुए आयुष्मान भारत डे आपका सेलिब्रेट किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सेलिब्रेट किया गया आपका 23rd of September 2019। नेक्स्ट इवेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स विल क्रिएट हाउ मैनी नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू ग्रूम एथलीट्स फॉर 2024 and 2028 ओलंपिक गेम्स। तो अभी एक और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका, ठीक है, आपको ये बताना है कि जो 2024 और 2028 के जो ओलंपिक गेम्स आपके होने वाले हैं, उनके लिए अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपका खेल मंत्रालय ने कितने राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रों की बनाने की घोषणा की है। तो जनरल अगर हम लोग जैसे पहले बात करते ना, जैसे जो 2024 का ओलंपिक गेम है वो होगा आपका कहाँ पे, पेरिस के अंदर 2024, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर आपका जो 2024 का ओलंपिक गेम होगा। और अगर हम लोग बात करें 2028 का, तो ये होगा आपका कहाँ पे, कैलिफोर्निया के अंदर, या जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सिटी का नाम, अगर हम लोग बात करें लॉस एंजेलिस, जो आपका एक सिटी जो कि पड़ता है कैलिफोर्निया यूएस के अंदर, तो यूएस जो कि होस्ट करेगा आपका 2028 के ओलंपिक गेम्स को। जैसे अभी 2020 के होंगे टोक्यो जापान के अंदर, 2024 पेरिस फ्रांस के अंदर, और 2028 के जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो हैं आपका लॉस एंजेलिस यूएस के अंदर, कैलिफोर्निया यूएस के अंदर। तो अभी खेल मंत्रालय ने 2024 और 2028 के जो आने वाले ओलंपिक गेम्स हैं, इनके लिए कितने एथलीट्स को तैयार करने हेतु, या जितने भी एथलीट्स आपका पार्टिसिपेट करते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आपके बनाए हैं, तो अगर करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं तो आपका है 20 नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस, जिनके थ्रू जितने भी एथलीट्स आपका पार्टिसिपेट करते हैं इन ओलंपिक गेम्स के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए उनको एक बेटर एनवायरनमेंट, या फिर जो भी इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट्स होते हैं उनको जो सर्विसेज चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी इन सेंटर्स के थ्रू। तो 20 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू ग्रूम एथलीट्स फॉर 2024 and 2028। ईच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल ऑफर फंड फॉर 4 to 6 स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। तो बेसिक इनके थ्रू जितना भी आपका जो फंडिंग किया जाएगा सरकार या अदर बॉडीज़ के द्वारा, तो वो आपका चार से छः स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को आपका टारगेट करते हुए, द न्यू स्कीम विल इंश्योर दैट एथलीट्स इन द सेम प्रेमाइसिस हैव एक्सेस टू सिमिलर फैसिलिटीज अनलाइक बिफोर, ठीक है, जो भी आपके प्लेयर्स आपके उनके बेनिफिट्स आपका, स्टैंडर्डाइजिंग द ट्रेनिंग विल एनेबल एथलीट्स टू अटेंड मच हायर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली जो मेजर एजेंडा है कि इंडिया का ओलंपिक गेम्स के अंदर जो परफॉर्मेंस है या जो मेडल लिस्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए आपका 20 नए नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो स्टार्ट किए जाएंगे आने वाले टाइम में। तो अभी जैसे एक स्कीम आपका चलता है टॉप के नाम से, ठीक है, टॉप्स भी इसको बोलते हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम, जो जनरली इसके ऊपर काम करता है, जो 2020 का जो ओलंपिक गेम्स है आपका टोक्यो के अंदर, इसके लिए जो आपका योजना काम कर रहा है वो है आपका टारगेट ओलंपिक पोडियम आपका, ठीक है। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसके थ्रू जो भी ऐसे एथलीट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं आपका टोक्यो ओलंपिक के लिए, उनका प्रिपरेशन या फिर उनके लिए जो भी फैसिलिटीज आपकी चाहिए उनको हम लोग प्रोवाइड करें किसके थ्रू, टॉप्स के थ्रू। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में जो और अदर स्पोर्ट्स हैं, या जो 2024 का ओलंपिक है या फिर 2028 का ओलंपिक है, वहाँ पे हमारे परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये कुछ नए नए सेंटर्स आपके खोले जाएंगे आने वाले टाइम में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारे टाइप के एग्जामिनेशंस के लिए। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन दी साउथर्न रेलवे अनाउंस अ स्पेशल शेड्यूल फॉर द हेरिटेज हिल रेलवे फ्रॉम उद्धांग मंडलम जिसको ऊटी के नाम से भी जानते हैं आपका, उद्धांग मंडलम टू मेटुपालियम। हाल ही में दक्षिण रेलवे ने उद्धम उद्धगम मंडलम से मेटुपालियम
तक हेरिटेज हिल रेलवे के लिए एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है। तो जनरल अगर हम लोग लेके चलते हैं ना, ये किसके द्वारा, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु के द्वारा। ये आपका जो अनाउंसमेंट्स आपका तमिलनाडु के द्वारा एक स्पेशल ट्रेन सुविधा आपका, ठीक है, जो कि अगर हम लोग इन दोनों एरियाज को, जैसे ऊटी है आपका उद्धंग मंडलम और आपका मेट्टुपलयम, ये दोनों एरिया जो कि टूरिस्ट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, ठीक है, ऊटी खासकर जो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स या अदर्स उनको ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है। तो इसी के चलते हुए तमिलनाडु के द्वारा कुछ स्पेशल आपका जो हिल रेन से आपका हेरिटेज हिल रेलवे आपका स्टार्ट करने की बात की है इन दो डेस्टिनेशंस के बीच में। आपका स्पेशल ट्रिप्स ऑफ द माउंटेन्स ट्रेन विल बी रन ऑन ऑल वीकेंड्स फ्रॉम अक्टूबर 5 टू नवंबर 29। तो अगर हम लोग शेड्यूलिंग की बात करते हैं 5 अक्टूबर से लेके आपका 29 नवंबर 2019 के बीच में, हर जो आपका अगर हम लोग वीकेंड्स, हर एक वीकेंड के ऊपर सैटरडे संडे आपका स्पेशल ट्रेन आपका रन किए जाएंगे। इट विल हैव हॉल्ट एट कलार, हिल ग्रोव, अरुवांकडू और वेलिंगटन एंड कुन्नूर। तो ये कुछ आपका जो इस ट्रेन के जो स्टॉपेज हैं, स्टॉपेज भी आपके दिए गए हैं, ठीक है, किस तरीके से ये ट्रेन आपका जहाँ पूरा जो जर्नी कंप्लीट करेगा, तो उसमें जितने भी टूरिस्ट हैं उनको बीच के जो मेजर मेजर एरियाज हैं वो सारे स्टेशन से होते हुए या वहाँ पे एक स्पेशल हॉल्ट या फिर एक टाइम ड्यूरेशन जिसमें वहाँ के लोग उस एरिया को भी आपका विजिट कर सकते हैं। सो एक स्पेशल ट्रेन सर्विसेज आपका स्टार्ट की गई हैं तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है, दो प्लेसेस आपका जिनको उद्धंग मंडलम या ऊटी से लेके आपका मेट्टुपलयम, इन दो डिस्टेंस डेस्टिनेशंस के बीच में। तो टूरिस्ट के लिए गुड न्यूज़ आपका, और आने वाले टाइम में एग्जामिनेशंस में एनटीपीसी के लिए अगर आप जा रहे हैं या ग्रुप डी, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ न्यू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, द 5-year पीरियड्स एंडिंग 2019 इन करेंटली एस्टिमेटेड टू बी डिग्री सेल्सियस अबोव प्री इंडस्ट्रियल 1850 टू 1900 टाइम्स। सो संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 2019 में समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि पूर्व औद्योगिक के समय के कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हुआ है। तो जो SEZ एरियाज या जितने भी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके अंदर जो कार्बन से आधा है, इनकी वजह से जो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल जो टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हुआ है, तो एक रिपोर्ट अभी रिलीज की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूएन के द्वारा, जिसके तहत जो तापमान आपका वृद्धि हुआ है कितने से आपका 1.1% से। सो 1.1% द रिपोर्ट सेड दैट द 5-year पीरियड एंडिंग 2019 इज सेट टू बी द हॉटेस्ट एवर। तो अभी तक की जितने भी अगर हम लोग इस पूरे उसकी बात करते हैं, तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो गर्मी आपके बढ़ी है वो आपका जैसे 1.1 डिग्री सेल्सियस ही आपका तापमान बढ़ा है, तो ये सबसे तेज़ है आपका पिछले कुछ सालों के अंदर। तो सबसे अभी तक का जितना रिकॉर्ड ब्रेकिंग आपका जो सेल्सियस जो इंक्रीज आपका हुआ है, अगर जैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं 2011 से लेकर 2015 के बीच में, तो जो जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ था वो आपका सिर्फ 0.20% से, लेकिन इस आपका इस 15 से लेकर 19 के बीच की अगर हम लोग बात करें, तो जो ओवरऑल टेम्परेचर आपका SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें, तो वो इंक्रीज हुआ 1.10%। तो ये कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज या अदर्स जितने भी जो इश्यूज आ रहे हैं आपका, या कार्बन या फिर प्लास्टिक पोल्यूशंस, वो सारे कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से जो अगर हम लोग जो पर डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज हुआ आपका, वो मेजर एरियाज जिनके ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए आने वाले टाइम में। अगला आपका, रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट DEC इन अबू धाबी अवॉर्डेड लाइसेंस फॉर द एग्जिस्टिंग नॉन मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी। हाल ही में अबू धाबी में सामुदायिक विकास विभाग ने अबू धाबी के अमीरत में मौजूद कितने मुस्लिम धार्मिक गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों के लिए लाइसेंस प्रदान किए हैं। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो 18 नए जो आपका गैर मुस्लिम, जनरली अभी तक आपका वहाँ पे जितने भी वर्शिप प्लेसेस या अदर्स हैं वो आपका जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेट करते हुए जो संस्थान, जैसे जितने भी अगर हम लोग बेसिक बात करें जितने भी दरगाह या इन्हीं के अंदर आपका होता था, तो अभी जो चर्च सोसाइटीज़ हैं जैसे 8 के अराउंड चर्च सोसाइटीज़ को लाइसेंस दिया गया, तो वो चर्च में भी वहाँ पे आपके चलेंगे अदर्स, जैसे हिंदू टेम्पल्स या अदर्स, इनको खोलने की बात की गई है। तो 18 जो नॉन मुस्लिम आपका रिलीजन्स या नॉन मुस्लिम प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जिनको स्टार्ट किया या जिनको लाइसेंस दिया गया वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। सो UAE के द्वारा आपका एक मेजर, या एमिरेट्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, एक मेजर स्टेप आपका जिसके अंदर सर्वधर्म संभाव वाली एक भावना को या फिर जितने भी रिलीजन्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए अलग अलग एरियाज के अंदर जो नॉन
18 नॉन मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो कि स्टार्ट किए जाएंगे आने वाले टाइम में, या इनको लाइसेंसिंग दिया गया. हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन मेन्स 61 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी और एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन नूर सुल्तान कजाकिस्तान इन सेप्टेम्बर 2019. तो अभी नूर सुल्तान कजाकिस्तान, जहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आपका फ्री स्टाइल कुश्ती, ठीक है. तो जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग डेली बेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपका पढ़ रहे हैं, इनसे रिलेट करते हैं. तो अभी कौन से इनमें से आपको बताना है, सितंबर 2019 में किसने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में विश्व चैम्पियनशिप पुरुषों के 61 kg फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता है. तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राहुल अवारे, जिनके द्वारा आपका कांस्य पदक या एक ब्रॉन्ज मेडल आपका जीता गया 61 kg. इनका जो कैटेगरी है वो आपका 61 kg फ्री स्टाइल कुश्ती. तो आपका राहुल अवारे. लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो क्वालिफाइंग पॉइंट आपका ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग नहीं था. राहुल अवारे आपका ओलंपिक्स 2020 के लिए आपका क्वालिफाइड नहीं है. ही बीट अमेरिकन टेलर ली ग्रेफ 11:14. तो इनके द्वारा आपका ये जो ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया, इस इवेंट के अंदर इन्होंने अमेरिका के टेलर ली, जिनको 11:04 से हराया. दिस हाउएवर वाज नॉट अ ओलंपिक कैटेगरी एंड दस द ब्रॉन्ज डिड नॉट हेल्प अवारे टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक गेम्स. तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर जो, क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा है कि अवार्ड विनिंग है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो आप गेस वर्क ना करें इसके ऊपर. इस पॉइंट को क्लियरली अपने ध्यान में रखें कि आपका जो राहुल अवारे हैं वो आपका क्वालिफाई नहीं हुए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए. अगला क्वेश्चन, वेयर डिड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज अ डे लॉन्ग नेशनल वर्कशॉप ऑन पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट इन सेप्टेम्बर 2019. सो NIDM, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसके द्वारा एक इवेंट या एक वर्कशॉप आपका ऑर्गेनाइज किया गया. किसके ऊपर? जब कभी भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, वो आपका मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो, तो इसके बाद जो सिचुएशन होती है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसके ऊपर एक वर्कशॉप आपका ऑर्गेनाइज किया गया सेप्टेम्बर 2019 के अंदर. तो सितंबर 2019 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा, आपदा के बाद जरूरतों के आकलन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की. तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा एक वन डे का एक कैंप या फिर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पे कि कभी भी अगर कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी होता है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स होता है, तो उसके बाद उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, या फिर जो की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उन सारे चीज़ों के ऊपर, या एक मॉक मॉड्यूल्स आपका, जिसके थ्रू कि अगर जैसे अर्थक्वेक का सिचुएशन होता है तो उसके बाद किस तरीके से जो भी सिटीजन्स हैं उनको सेफ रखना, या मेडिकल हेल्प या फिर आपका फूड एंड अदर्स जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको किस तरीके से कंडक्ट करना, उनके रिगार्डिंग एक वर्कशॉप आपका. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन. तो इस इवेंट्स की अगर हम लोग चीफ गेस्ट की बात करें तो वो आपका नित्यानंद राय, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स एट करंट प्रोफाइल इनका जो है आपका, ठीक है. दी वर्कशॉप डिस्कस द इश्यूज एंड चैलेंज फेस्ड बाय स्टेट इन द असेसमेंट ऑफ डैमेज एंड लॉसेस. तो जो भी आपका उस कैजुअलिटी की वजह से जो भी डैमेज एंड लॉसेज हुए या उनसे कैसे ओवरकम करना है, इनके ऊपर आपका एक इवेंट जो कि 23rd of September 2019 न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया. अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें. अगला आपका, रिसेंटली रॉबर्ट स्किनर बॉन्ड पास्ड अवे. ही शेयर्ड अ पुलिट्जर प्राइज विद कलीग क्लार्क हॉयट. तो क्लार्क हॉयट और रॉबर्ट स्किनर बॉन्ड, जिनको पुलिट्जर प्राइज, अब आपको ये ध्यान रखना है पुलिट्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है आपका पुलिट्जर प्राइज हर साल आपका. तो दो पर्सन आपका जिसमें नाम है स्किनर बॉन्ड और क्लार्क हॉयट, जिनका अभी जो स्किनर बॉन्ड है इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, और इन्होंने शेयर करा था आपका पुलिट्जर प्राइज किसके साथ, क्लार्क हॉयट के साथ. 19 जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका 1973 के अंदर 1973 का जो पुलिट्जर प्राइस है, पुलिट्जर प्राइस जो कि जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका दिया जाता है, तो 1973 का जो जर्नलिज्म के अंदर जो पुलिट्जर प्राइस आपका दिया गया था वो दिया गया था आपका स्किनर बॉन्ड और क्लार्क हॉयट को. तो जिसमें से स्किनर बॉन्ड का अभी हाल ही में निधन हुआ, तो आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि स्किनर बॉन्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा जर्नलिज्म.
और किस ईयर इनको आपका पुलिटजर प्राइज से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होगा 1973। नोटेड अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड पुलिटजर प्राइज विनर्स रॉबर्ट स्किनर बॉइंट पास्ड अवे, ही शेयर्ड 1973 पुलिटजर प्राइज विद कलीग क्लार्क हॉयट। तो ये कुछ पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए। अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पूरे दिन भर के मेजर मेजर इवेंट्स डिस्कस करे, अब दो इवेंट्स जिनमें आपको जिनके आंसर्स आपको कमेंट के थ्रू लिखने हैं और उनसे रिलेट करते हुए पॉइंट्स को भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। कंप्यूटर जी एक बार स्क्रीन पर ले आएंगे प्लीज क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आज के लिए वो है आपका, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस ABC फॉर 2019-20। बहुत मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, इसका आंसर आपको कमेंट के थ्रू करना है, लाइव स्ट्रीमिंग पे नहीं, जब ये सेशन खत्म होता है उसके बाद कमेंट के अंदर आपको आंसर करना है। 2019-20 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस ABC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके पास 5 ऑप्शन हैं, तो ABC का जो चेयरमैन है वो किसका अपॉइंट किया गया ये आपको बताना है कमेंट्स के थ्रू। दूसरा आपका सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए है वो है आपका, रिसेंटली श्याम रामसे पास्ड अवे, ही वॉज अ एन, अभी हाल ही में श्याम रामसे का निधन हुआ है, तो आपको ये बताना है कि वो किस फील्ड से संबंधित थे, डॉक्टर थे, जज थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, इकोनॉमिस्ट थे या पॉलिटिशियन थे। तो श्याम रामसे जिनका हाल ही में निधन हुआ है तो आपको ये बताना है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। ये दो आपके क्वेश्चन ऑफ द डे, आंसर करना ना भूलें और आंसर आपको करना है कमेंट्स के अंदर, ठीक है, लाइव स्ट्रीम में नहीं बल्कि आपको कमेंट्स के थ्रू इनका आंसर बताना है, देन हम उनको रिव्यू करेंगे और आप चाहें तो इनसे रिलेट करते हुए पॉइंट्स भी वहाँ पे लिख सकते हैं जिनसे कि हम लोग आने वाले जो नेक्स्ट क्लास होगा जब हम इनके आंसर्स के साथ आएंगे तो उनको आपके पॉइंट्स को प्रेजेंट किया जाएगा। सो कंप्यूटर जी एक बार मेजर स्क्रीन पर लाएंगे प्लीज़। सो गाइज ये आपका पूरे दिन भर के जो टॉप 20 इवेंट्स हुए हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितने भी जो मेजर इवेंट्स आपके होते हैं और उनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं, तो आने वाले एग्जामिनेशंस आने वाले टाइम में अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशंस करें तो इन पॉइंट्स को आपको अपडेट करना है। साथ ही साथ PDF डाउनलोड करना ना भूलें, PDFs के थ्रू आपको एक पूरा एक कंप्लीट एक डेटाबेस आपके पास बनाए रहेगा जिससे कि आने वाले टाइम में आप जैसे एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले उन PDFs को एक बार खोल के आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को आपका। सो आई होप कि आप लोगों को ये शो पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो जितने भी आपके साथी लोग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करें तो उनके साथ शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही साथ आपको टेस्ट बुक का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले टाइम में जितने भी रेगुलर बेसिस पर हम लोग जितने भी अपडेट्स लेके आते हैं उनका, और जैसे अभी एक सी टी एट का नया बैच लॉन्च किया गया है तो अगर आप CTET के लिए भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना तो आप यहाँ से जो कोर्स पास के थ्रू या फिर जो यूट्यूब के अंदर जो क्लासेस हो रही है उनके थ्रू एक बेसिक प्रिपरेशन, इसके बाद जैसे RRBPO के लिए आपके मेंस के लिए बहुत सारे बैचेज हैं या अदर्स जैसे LIC असिस्टेंट का एग्जाम आ रहे हैं तो उसके ऊपर आपका स्ट्रेटजी या जो कोर्स आपका स्ट्रक्चर या पॉइंट्स आपको समझने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। सो गाइज आई होप कि सभी चीज़ें आपकी आपका प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छा चला है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है या कोई आपका कोई भी अगर क्वेश्चन आपका होता है तो एक ईमेल आईडी faculty@testbook.com जो आपको दिख रहा है आप इस पर लिख सकते हैं हमें, और आज के लिए इतना ही, देन फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे जिसमें हम लोग पूरे दिन भर के जितने भी अपडेट्स हैं उनके साथ आपको प्रेजेंट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड विद testbook.com, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।